प्रश्न निवारण समिति की बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पटवारी अशोक कुमार को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया कि शिकायतकर्ता को उसने कह दिया था कि मंत्री तो सिर्फ बयान देते रहते हैं, मंत्री के कहने से कुछ नहीं होता। यह बात शिकायतकर्ता ने मंत्री की बैठक में बताई, जिस पर मंत्री ने उस पटवारी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा मंत्री ने बैठक में रखी गई 16 शिकायतों की सुनवाई की, जिनमें से अधिकतर का निपटारा कर दिया। देखिए बैठक में क्या कुछ हुआ। हमारे गांव में 41 रोगियों की निशान नहीं हुई थी, जिसमें उन प्रबंधन ने 9 रोगियों पे कब्जा किया है, जिनमें 3 ब्राह्मणों की है, 3 धीवरों की और 3 अशोक कुमार पटवारी जब उसके पास गया था, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग करा, और एक कर्मचारी को भाषा का प्रयोग ठीक होना करना चाहिए। और भाषा कोई मंत्री जो ग्रीवेंस लेता है उसके कोई नपाई तो है, कोई मंत्री हो कोई विधायक हो उसे सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के लिए जब कोई बात सुनी जाए, जब कोई कहता है कि ऐसी मीटिंग चलती रहती है, जो सरकार को सरकार नहीं मानता हो तो अधिकारी को तो सस्पेंड करना जरूरी है। सर, रोडवेज के बेड़े में बसें शामिल करने के नहीं बसें कब तक शामिल होंगी? रोडवेज के बेड़े में हम 2000 बसें शामिल कर रहे हैं, 1000 हम बिल्डअप बस लेके आ रहे हैं आने वाले 2 महीने के बीच। हाई पावर परचेज में मीटिंग रखी है और बेड़े में 800 नॉन स्पेशली है, 250 मिनी बस है, 150 लग्जरी बस है, 20 वॉल्वो बस है, और सारी बेड़े में 2000 बस के करीब हम बेड़े में शामिल करेंगे। और हरियाणा के हर कोने तक, चाहे ग्रामीण है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे शहर है, हर जगह तक बस पहुँचा देगा। इलेक्ट्रिक बसों नगर पालिका में 22 लाख का बिजली घोटाला हुआ, उपाय? इलेक्ट्रिकल बस हम जो गुड़गामा है, पीरा है, दिल्ली का इलाका है, और सबसे पहले गुड़गामा जिले को पूरे को जो 10 साल पुराने डीजल के, 10 साल अपने पेट्रोल वाले और 10 साल जो डीजल वाले हैं उनको करके दिल्ली के साथ साथ गुड़गामा इलेक्ट्रिकल को बढ़ावा देंगे। और आने वाले समय धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तरफ हम लेकेंगे, बस स्टैंड बनाएंगे। अब हमारे गुला चीका का बस स्टैंड बनेगा तो लेटेस्ट होगा। सर, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन बनेगा नगर पालिका में 22 लाख का लाइट घोटाला है, वो बाइक में संज्ञान लिया, दोषी पाए गए, दोबारा जांच के नाम पे फिर लटक गया। नहीं, मेरी ग्रीवेंस में तो आया नहीं भाई, आपने बताया सर। वो मेरा हेडक्वार्टर जाएंगे सर, हम दोबारा जांच नहीं करेंगे, जो दोषी है उन पे कार्रवाई करेंगे। मेरी भी ग्रीवेंस, जो इनकी इंक्वायरी हो चुकी है वो हेडक्वार्टर में से जो भी दोषी खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी अधिकारी नगर परिषद नगर पालिका में, पूरे हरियाणा में नगर परिषद हो नगर पालिका हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचार आदमी, और मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्य, हम भ्रष्टाचार को लगाम लगाएंगे और भ्रष्टाचारी का स्थान जेल में होगा। और हम एक एक भ्रष्टाचारी कोई भी हो, या ठेकेदार हो, या पॉलिटिकल हो, या अधिकारीगण हो, उसका इलाज मनोहर लाल है।